हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड पेपर। तो आज हम इसके ओनली सिलेबस की बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक बढ़िया है, आपका सेकंड पेपर है वो भी बीएससी थर्ड ईयर का। तो इसमें आज हम इसके सिलेबस के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। और आप जितने भी बच्चे ये मतलब कि इंतजार कर रहे थे, सर आप जल्दी से जल्दी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वीडियो आप कब डाल रहे हो, तो आज से हम इसके हर आपके टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से क्लियर करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका इसका मतलब कि क्या सिलेबस है, इसको आप अच्छे तरीके से जानिएगा। तो पहले इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो आपका यूनिट जो फर्स्ट रहेगी, तो उसमें आपका चैप्टर जो फर्स्ट है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपका एक बेसिक्स का है, ये मतलब कि इसमें ओनली बेसिक्स हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स की और इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो ये आप ज़्यादातर पढ़ चुके हो 11th और 12th में। अब आपका है चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि आपका है एनालिटिक फंक्शन। तो ये एनालिटिक फंक्शन है, ये बीएससी थर्ड ईयर का सबसे बढ़िया चैप्टर रहता है। स्टार्टर यहाँ से हम आपको करेंगे और ये आपका एक बढ़िया चैप्टर रहने वाला है। और अब आप बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड में आपका है चैप्टर नंबर थर्ड। तो चैप्टर नंबर थर्ड आपका क्या रहेगा, कन्फॉर्मल मैपिंग्स। तो कन्फॉर्मल मैपिंग्स है। और चैप्टर नंबर फोर है वो आपका है मोर अबाउट कन्फॉर्मल मैपिंग्स, या फिर कह सकते हो मैपिंग बाई एलिमेंट्री फंक्शंस। अब चैप्टर नंबर फाइव जो है वो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी है एक आपका पावर सीरीज एंड एलिमेंट्री फंक्शन। तो ये भी एक आपका बढ़िया चैप्टर रहेगा। तो इसके बाद आप देख सकते हो जो कि आपका यूनिट थर्ड है उसमें आपका दे रखा है चैप्टर नंबर सिक्स कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो ये आपका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम आपको अच्छी तरह डीपली बताएंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होते हैं और इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन आपके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हो यूनिट नंबर फोर। तो यूनिट नंबर फोर में आपका क्या है, चैप्टर नंबर सेवन, जिसमें आपका दे रखा है आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम है और आपकी ये रोची थ्योरम। तो ये दो थ्योरम इसमें रहेगी और ये भी आपका बढ़िया यूनिट रहेगी। इसमें आपको कई चीज़ आपको नॉलेज में हम आपको बताएंगे क्या क्या इसके अंदर और चीज़ आपके में दे रखा है सिलेबस में। तो इसके बाद देखेंगे यूनिट नंबर फाइव। तो यूनिट नंबर फाइव आपकी दे रखी है चैप्टर नंबर एट है द कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका चैप्टर रहेगा। और यूनिट थर्ड का आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको एक बेसिक से आपको हर चीज़ आपको इसमें आपको अपलोड होगी, जिसके लिए आपको ओनली क्या काम करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना पड़ेगा, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपको हर लेक्चर के आपको नोटिफिकेशन आपके सामने आते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे एनालिटिक फंक्शन। इसकी आपको हर टैब से आपको क्वेश्चन बताएंगे कितने प्रकार से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये सब आपको फ्री में आपको मिल रहा है, तो इसीलिए इस चैनल को लाइक करना तो आप भूलिएगा नहीं और साथ में सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं और इसकी क्या क्या इसके अंदर टैब से क्वेश्चन है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।